नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। 26 सितंबर को प्रदेश में रीट की परीक्षा होने वाली है। प्रदेश में लाखों बेरोजगारों के लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रशासन अपने स्तर पर इससे निपटने की तैयारी भी युद्ध स्तर पर कर रहा है, पर डूंगरपुर जैसे जगहों से अव्यवस्थाओं की खबरों ने परीक्षार्थियों की चिंताएं बढ़ा दी है। डूंगरपुर पहुंचना और फिर वहां पर आवंटित सेंटर तक पहुंचना भी रिट के अभ्यर्थियों के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होने वाला है, इसका अंदाजा भी लगाया जाना मुश्किल सा लगता है। एसआई परीक्षा में हुई धांधली के बाद रिट परीक्षा का सफल आयोजन खुद सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ लिखित परीक्षा ही नहीं, डूंगरपुर में परीक्षा केंद्र तक पहुंचना भी अभ्यर्थियों के लिए एक परीक्षा ही साबित होने वाला है। नकल से रोकने के लिए अभ्यर्थियों को अन्य जिलों में सेंटर आवंटित किए गए हैं। अब इसके लिए अभ्यर्थियों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सेंटर तक पहुंचने की जुगत बिठानी होगी। डूंगरपुर के अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में 32 जिलों में जाएंगे और इनमें से 856 किलोमीटर दूर श्रीगंगानगर जिला तक आवंटित है। इनमें आपको बता दें कि डूंगरपुर के करीब 24,743 अभ्यर्थी रिट की परीक्षा देंगे। चूरू के अलावा बाकी सभी जिलों में डूंगरपुर के अभ्यर्थियों के सेंटर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य जिलों के 22,282 अभ्यर्थी डूंगरपुर आकर परीक्षा देने वाले हैं। यहाँ रिट परीक्षा के 177 केंद्र बनाए गए हैं। समस्या ये भी है कि डूंगरपुर रोडवेज के बेड़े में सिर्फ 50 बसें हैं। अगर प्रति सवारी 50 की क्षमता आंकी जाए तो यहाँ सिर्फ 2,500 अभ्यर्थी ही आ पाएंगे। तो ऐसे में 22,000 अभ्यर्थी डूंगरपुर कैसे आएंगे? इतने अभ्यर्थियों के लिए रात ठहरने के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। डूंगरपुर प्रशासन परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए भी अतिरिक्त बसों और वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। रोडवेज की बसों में तो यात्रा निःशुल्क रहेगी, अब परिवहन विभाग निजी बसों और वाहनों का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए वाहन मालिकों को नियमानुसार भुगतान भी किया जाएगा। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जा रहे हैं। इस पर नकल रोकने के लिए जुड़े विभागों के द्वारा निगरानी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन के द्वारा बाहर से आने वालों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अभ्यर्थियों के रुकने और भोजन की व्यवस्थाओं के लिए अपील की जा रही है। अब देखते हैं कि रिट के इस महाकुंभ में प्रशासन और अभ्यर्थी कैसे पार पाते हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।